हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू आर वॉचिंग क्यू ट्रिक्स। हम लोग परसेंटेज के लेसन 6 में पहुंच चुके हैं और अब आप एडवांस में पहुंच चुके हैं। ठीक है, लेसन 6 से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मेमोरी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके होंगे। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस ऑफ शुगर राइसेस बाई 20%। बाई हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। प्राइस जो शुगर का है वो 20% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो बाई हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस, मतलब आपको कितना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा जिससे कि आपके एक्सपेंडिचर पर कोई खर्च ज्यादा ना पड़े। इसको आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि आप एक मंथ में 100 रुपीज़ की शुगर लेते हैं। ठीक है, लेकिन रेट बढ़ गया तो आपको खर्च 100 ही करने हैं, लेकिन यदि रेट बढ़ा है तो ऑब्वियसली आपको 100 रुपीज़ में कम शुगर मिलेगी, है ना। तो आपको यही निकालना है कि कितना परसेंट आपको कम शुगर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए पहले रेट था, मान लेते हैं 100 रुपीज़। अब आपका कितना हो गया रेट, रुपीज़ 120 हो गया। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। ठीक है, बहुत देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी है, लेकिन हमें फॉर्मूला बेस नहीं करना है, क्योंकि जो भी एग्जाम आएगा उसका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कोई पक्का नहीं है, हमारा कोई श्योरिटी नहीं है कि यही क्वेश्चन होगा। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको एट द एंड बता दूंगा, लेकिन बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक्स का आना, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके बेसिक्स को ही चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, समझिए क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि भाई पहले 100 रुपीज़ में आपको 100 kg शुगर मिल रहा था। ठीक है, 100 kg मिल रहा था, अब रेट बढ़ गया, अब ₹120 हो गया पर के 100 kg का रेट। पर 100 kg का रेट कितना हो गया, ₹120 हो गया। ये था आपका ओल्ड प्राइस और ये आपका हो गया न्यू प्राइस। ठीक है, अब न्यू प्राइस के अकॉर्डिंग आपको खर्च कितने करने हैं, 100 रुपीज़ खर्च करने हैं। भाई 120 में भी 100 kg मिल रहा है तो ₹100 में कितना मिलेगा, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, 100 अपॉन 120 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 6 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 5 जा 0, यानी कितना आ गया, 250/3 kg आ गया। ठीक है, 250/3 kg आ गया, यानी पहले आपको ₹100 में 100 kg मिल रहा था, अब आपको 100 रुपीज़ में 250/3 kg शुगर मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है आपको, कम मिल रहा है 100 माइनस 250/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 250/3 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 300 माइनस 250/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50/3। ठीक है, यानी आपको 50/3 kg शुगर कम मिल रहा है। आपको निकालना कितने में, किस में, परसेंटेज में निकालना है। हमने ऊपर वैल्यूज 100 इसलिए ली है कि आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है, यानी आपको पता है कि जब हम 100 की वैल्यू 100% के इक्वल मानते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, हमने वही मान रखा है। तो 50/3 kg आंसर कितना हो जाएगा, 50/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी अब हमें शुगर कितनी कम मिल रही है, 50/3% कम मिल रही है। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है आर अपॉन 100 माइनस प्लस आर। ठीक है, आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है परसेंट में, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जहां पे आर की वैल्यू 20 होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एक्स, 4x लेस आर अवेलेबल फॉर ₹24, द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जो एक्स थे उसके प्राइस में 50% बढ़ोतरी हो गई, भी 50% बढ़ गया। तो पहले वो जो भी पर्सन था वो पहले 24 खर्च करता था, अभी 24 कर रहा है, तो अब उसको 24 में 4 अंडे कम मिल रहे हैं, 4x कम मिल रहे हैं, क्योंकि रेट बढ़ गया है। ठीक है, तो देखिए, अब पहले रेट कितना था, 100% था, अब रेट कितना हो गया, 150% हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, यदि ₹24 में पहले भी वो खर्च 24 कर रहा था, अब भी वो 24 कर रहा है और उसको अब 4x कम मिल रहे हैं, 4x लेस मिल रहे हैं, तो इन 4x का जो प्राइस है, जो ये 4x का प्राइस हो, किसके इक्वल होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी परसेंट की कटौती हो या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, और जो प्राइस हम खर्च कर रहे हो उस प्राइस का उतना ही परसेंट हमेशा इक्वल होता है जो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा होता है या जो हमें कम मिल रहा होता है। यदि इंक्रीज होगा तो कम मिलेगा, यदि डिक्रीज होगा तो ज्यादा मिलेगा। तो यदि ज्यादा जो मिलेगा उसका प्राइस हमेशा उस
मनी के उस अमाउंट के उतने ही परसेंट के इक्वल होता है जो आप खर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यानी 24 का जो 50% होगा, 24 का जो 50% होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 4x के प्राइस के इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू न्यू प्राइस। ठीक है, न्यू प्राइस के इक्वल होगी। तो 24 का 50% कितना होता है, 12 होता है ना। तो 12 यानी ₹12 हो गए 4 अंडों का प्राइस। बहुत सिंपल था, ध्यान दीजिएगा, दोबारा मैं कह रहा हूँ, जो भी आपको अमाउंट खर्च करना है उसका इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट हमेशा इक्वल होगा जो चीज़ आपको ज़्यादा मिल रही है एक्स्ट्रा मिल रही है। यानी 24 का जो 50% होगा वो होगा 4x का प्राइस। तो ₹12 हो गया आपका 4x का प्राइस। तो आपको निकालना कितने का है, डजन का यानी 12x का, इंटू 3 कर दीजिए तो हो जाएगा 12x। यदि आपने इधर इंटू 3 किया हुआ है तो आप इधर भी इंटू 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ₹36। यानी ₹36 यानी जो न्यू प्राइस है पर डजन का वो कितना हो गया, ₹36 हो गया। यानी ₹36 में आपको 12 बैग मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। भाई ये तो नया प्राइस हो गया, यदि आपसे बोला जाए कि पुराना प्राइस भी निकालिए कि भाई इंक्रीज के पहले जो रेट था 12x का वो कितना था। देखिए बहुत सिंपल है, इससे होगा। ठीक है, पहले 100% था, अब 150% हो गया, तो जो 36 होगा ना ये 150% की वैल्यू हो जाएगी। 150% की वैल्यू हो गई 36। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप, 36/150×100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 5 2 2 1 3 1 और 3 2 यानी कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, यानी पहले जो प्राइस था वो ₹24 था, ₹24 था। ठीक है, तो ये था आपका ओल्ड प्राइस जो पहले था इंक्रीज के, और ये हो गया आपका प्रेजेंट प्राइस। ठीक, होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा एक और क्वेश्चन हमें बाद में भी हम करेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन अ फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर्स आर अबव 30 ईयर्स एंड द 75% ऑफ देम आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। देखिए दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया, एक तो आपके इसमें ईयर डाल दिया है। ठीक है, इफ देर आर 1350 मेल वर्कर्स अबव 30 ईयर्स देन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, जितना ही लेवल अच्छा है उतना ईजी भी है। ट्री मेथड आपको याद होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम कितने मान लेते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम 100 मान लेते हैं। क्वेश्चन शुरू से पढ़ते हैं, 60% ऑफ द वर्कर आर अबव 30 ईयर्स, यानी इसके जो 60% हैं, जो 60 वर्कर हैं वो +30 वाले हैं। ठीक है, वो क्या है, वो +30 वाले हैं, अबव 30 ईयर्स। ऑब्वियसली जो 40 होंगे वो 30 से बिलो होंगे, ये 30 से अबव वाले हैं तो ये 30 से बिलो होंगे, लेकिन हमें इससे कुछ करना नहीं है अभी। ठीक है, जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी वो इस पे होगी, आगे देखते हैं। एंड ऑफ देम 75% आर मेल, यानी 60 का जो 75% है वो क्या है, मेल है। ठीक है, 75 आपको याद होगा, 75 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 75 की फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे निकाली थी ना हमने पहले चैप्टर में, आपको याद होनी चाहिए थी, मैंने कहा था। ठीक है, तो चलिए करके देखिए, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, 25 3 25 4, तो 3/4 होती है, यानी आपको 60 का 3/4 निकालना है, 15 4 60 और 15 3 45, यानी 45 जो है वो क्या है, मेल है। तो ऑब्वियसली यदि मेल 45 है तो बाकी जो बचे हैं कितने बचे, 15 बचे, ये क्या होंगे भाई, फीमेल होंगे ना, अंडरस्टूड है ना ये, तो कि 45 यदि मेल है तो 15 होंगे फीमेल। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इफ देर आर 1350 मेल वर्कर्स अबव 30 ईयर्स देन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री। ठीक है, यानी आपको नंबर दे दिया है, जो अबव 30 के वाले मेल हैं वो कितने, 1350 हैं, यानी सिंपल सी बात है, जो 45% है उसकी वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, 1350 दे रखी है। आपको निकालना कितना है, आपको 100% निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए सिंपली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप कैसे करिए, आप 45 से इसको कट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1350/45×100। ठीक है, अब देखिए इसको आप कट कर सकते हैं, 15 से कट करिए, 15 3 45। ठीक है, और 13450 को आप 15 से कर सकते हैं, 15 9 कितना होता है, 15 9 होता है 135। ओके, ये 1350 है, 13450 नहीं है, 1350 है, तो 15 9 135 होता है, तो ये 9 हो गया, 0 हो गया, फिर 3 से कट कर दीजिए, 3 3 9 30। तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 100% की वैल्यू आपकी आ गई 3000। ठीक है, यानी टोटल वर्कर कितने फैक्ट्री में, 3000 है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 10% अ मैन कुड बाय 1 kg मोर शुगर फॉर ₹270
देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर के जी इज, यानी आपको पुराना प्राइस निकालना है। सेम क्वेश्चन है एज सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। याद था मैंने क्या क्या कहा था, याद होगा आपको कि जो भी प्राइस होगा और जो भी परसेंटेज होगा, इस प्राइस का इतना परसेंट इसके वैल इक्वल होगा, यानी 270 का जो 10% होगा वो होगा रुपीज, 270 का जो 10% होगा वो होगा 1 kg का प्राइस न्यू, ठीक है, न्यू प्राइस होगा ये। 270 का जो 10% होगा वो 1 kg का न्यू प्राइस होगा, ठीक है। तो अब 270 का 10% कितना होता है, सिंपल 27 होता है ना, 27 हो गया। तो 27 रुपीज में 1 kg मिल रहा है, 1 kg मिल रहा है ना 27 रुपीज में, अकॉर्डिंग टू न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कितना है, 27 रुपीज में 1 kg आपको मिल रहा है नए प्राइस के अकॉर्डिंग। आपको पूछा किसने क्या है, उसने ओरिजिनल प्राइस आपको नहीं, पुराना प्राइस निकालना है। तो भाई पहले 100 था प्राइस रुपीज, मान लेते 100% था, तो अब 10% बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया, 110% हो गया। यानी नया प्राइस आपको दे रखा है 27, ठीक है ना। तो आपको 27 आपको नया नया प्राइस दे रखा है, तो ये 27 किसकी वैल्यू है भाई। अच्छा डिक्रीज बोला हुआ है, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है, 90% हो जाएगा डिक्रीज हुआ है तो ना। तो 90% की वैल्यू आपको दे रखी है 27, आपको निकालने कितनी की है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 27/90 × 100। देखिए इंक्रीज नहीं है, इंक्रीज समझ लिया था, बट ये डिक्रीज है। तो 100% यदि पहले था तो 10 90% अब हो जाएगा, 0 से 0 कट कर दीजिए, 9 3 27, तो ये जाएगा 30। यानी जो पहले 1 kg का प्राइस था वो था आपका ₹30 ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, बस इस चीज को ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चंस में जो भी आपको अमाउंट खर्च करना है उसका जो परसेंटेज है, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, उसकी वैल्यू हमेशा जो आपको ज्यादा या कम मिल रहा है उसके इक्वल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 50%, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस सो एज टू कीप द सेम एक्सपेंडिचर ऑन इट्स कंजम्पशन। देखिए सेम क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन जैसा, हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि भाई 100 रुपीज में 100 मिल रहा था, ठीक है। तो अब 150 में कितना मिल रहा है, 150 में 100 kg मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको खर्च कितना करना है, 100 ही खर्च करना है, तो ये हो जाएगा 100/150 × 100, ठीक है। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 3 5 2, तो ये कितना आ गया आपका 200/3 ऑफ kg, कितना कम हुआ, 100 - 200/3, यानी 300 - 200, दैट इज 100/3 kg आपको कम मिल रहा है। यदि आपको परसेंटेज में लिखना चाहें तो 100/3% आपको कम मिल रहा है, ठीक है, 100/3% आपको कम मिल रहा है। इसको मैंने आपको बहुत जल्दी में बता दिया। अब देखिए जो फॉर्मूला था ना, इसका फॉर्मूला क्या था, आर अपॉन 100 ± r, ठीक है। देखिए इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज का मतलब 50/150 कर देंगे, ठीक है, इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा परसेंटेज के लिए, इंटू 100, तो कट गया 5 3 था, तो इसमें भी आंसर कितना आ गया, 100/3% आपका आंसर आ गया। तो आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, और आपने सीख लिया है तरीका तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दीजिए, और ये तरीका भी आपको आना चाहिए कि बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आज के लेसन में इतना ही, नेक्स्ट लेसन में हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।